गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 52 में स्टैंडर्ड 6 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 4 चंदना का स्कूल कहानी पढ़ा। इस कहानी के माध्यम से आपने सामुदायिक कार्यों में भाग लेना, आसपास की समस्याओं के प्रति जागरूक होना, निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर देश हित के लिए कार्य करना तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहयोग प्राप्त करना चाहिए इत्यादि बातें आपने सीखा। आज हम लेक्चर 52 में हिंदी लिटरेचर में इसी चैप्टर चंदना का स्कूल कहानी का शब्दार्थ पढ़ेंगे और मौखिक प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। यहाँ शब्दार्थ देखेंगे, बाढ़। बाढ़ का अर्थ होता है नदी आदि के जल का फैलना यानी सैलाब, तबाह यानी बर्बाद, सरपंच यानी प्रधान, मार्गदर्शन यानी मार्ग दिखाना, सहपाठी साथ पढ़ने वाला, संगठित करना इकट्ठा करना, श्रमदान यानी निर्माण कार्य में शारीरिक सहयोग देना, बांध नदी का पानी रोकने हेतु बनाया गया घेरा, उद्घाटन यानी शुभारंभ, सूझबूझ यानी बुद्धि, परिणाम स्वरूप यानी फल परिणाम के तौर पर, सुकून मतलब होता है राहत आराम। अब हम इस प्रश्न का, इस चैप्टर का हम मौखिक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। बच्चों, यहाँ मौखिक प्रश्न पर आप ध्यान देंगे, पेज नंबर 30 आप देखेंगे। मौखिक प्रश्न है, चंदना के गांव का क्या नाम है? चंदना के गांव का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे, चंदना के गांव का नाम आनंदपुर है। चंदना के गांव का नाम आनंदपुर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नदी में बाढ़ कब आई थी? नदी में बाढ़ कब आई थी? इस प्रश्न का उत्तर, नदी में बाढ़ 1.5 साल पहले आई थी। नदी में बाढ़ 1.5 साल पहले आई थी। प्रश्न 9 देखेंगे, लड़कियों के माता पिता को सरपंच से बहस क्यों करनी पड़ी थी? लड़कियों के माता पिता को सरपंच से बहस क्यों करनी पड़ी थी? इस प्रश्न का उत्तर है, लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए सरपंच से लड़कियों के माता पिता को बहस करनी पड़ी थी। लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए सरपंच को लड़कियों के माता पिता से बहस करनी पड़ी थी। प्रश्न 9 आपने लिखा, लड़कियों के माता पिता को सरपंच से बहस क्यों करनी पड़ी थी? लिखेंगे, लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए सरपंच से लड़कियों के माता पिता को बहस करनी पड़ी थी। 9 है, गांव वाले सरकारी कर्मचारी के भरोसे क्यों बैठे थे? प्रश्न 9 है, गांव वाले सरकारी कर्मचारी के भरोसे क्यों बैठे थे? इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे बच्चों, गांव वाले सरकारी कर्मचारियों के भरोसे इसलिए बैठे थे क्योंकि उनको पता भी नहीं था और न वे पता करना चाहते थे कि दलदली जमीन को ठीक कैसे करें। गांव वाले सरकारी कर्मचारियों के भरोसे इसलिए बैठे थे क्योंकि उनको पता भी नहीं था और न पता करना चाहते थे कि दलदली जमीन को ठीक कैसे करे। अब आप पेज नंबर 31 में देखेंगे, पेज नंबर 31 का मौखिक प्रश्न है। यहाँ आप देखेंगे, लेखिका ने किसको चिट्ठी लिखी थी? इस प्रश्न का उत्तर है, लेखिका ने सरपंच जी के भतीजे अजीत को पत्र लिखा। आप यहाँ चिट्ठी है, चिट्ठी भी लिख सकते हैं, पत्र और चिट्ठी एक ही हुआ। चिट्ठी जो कि स्त्रीलिंग होती है बच्चों, तो आप यहाँ चिट्ठी के साथ यहाँ लिखी होगा, लेकिन यहाँ पत्र है इसलिए यहाँ पर लिखा होगा। लेखिका ने किसको चिट्ठी लिखी थी? आप यहाँ लिखेंगे, लेखिका ने सरपंच जी के भतीजे अजीत को पत्र या चिट्ठी हो गया, पत्र लिखा। उसके बाद से 6 है, अजीत भैया किसके साथ गांव आए?
इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे, अजीत भैया प्रोफेसर साहब तथा अपने दोस्तों के साथ गांव आए। अजीत भैया प्रोफेसर साहब तथा अपने दोस्तों के साथ गांव आए। प्रश्न ग है, उन्होंने दलदल साफ करने का क्या तरीका बताया। उन्होंने दलदल साफ करने का क्या तरीका बताया। इस प्रश्न का उत्तर है, उन्होंने पानी के पंप और ट्रैक्टरों की मदद से दलदल साफ करने का तरीका बताया। उन्होंने पानी के पंप और ट्रैक्टरों की मदद से दलदल साफ करने का तरीका बताया। घ है, बच्चों को काम करते देख गांव की महिलाओं और पुरुषों ने क्या किया। बच्चों को काम करते देख गांव की महिलाओं और पुरुषों ने क्या किया। इस प्रश्न का उत्तर है, बच्चों को काम करते देख गांव की महिलाओं और पुरुषों ने भी काम में हाथ बटाया। बच्चों को काम करते देख गांव की महिलाओं और पुरुषों ने भी काम में हाथ बटाया। तो बच्चों, आज आपने लेक्चर 52 में आपने चंदना का स्कूल इस चैप्टर का आपने शब्दार्थ और मौखिक कुछ मौखिक प्रश्नों का उत्तर लिखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी प्रश्न के बाकी इसी चैप्टर के बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।